डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज हम क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम लोग मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन पार्ट्स को क्लियर कर रहे हैं, इंटीग्रेशन पार्ट्स को पढ़ रहे हैं। और इस इंटीग्रेशन वाले पार्ट्स में हम लोगों ने एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हुए एक्सरसाइज 7.5 में चल रहे हैं। एक्सरसाइज 7.5 को क्लियर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसमें आपको पता हुआ होना चाहिए कि हम लोगों ने 14 नंबर तक के क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्यूशन कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। 15 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे अगर आपके पास बुक हो तो। इंटीग्रेट करना है 1 बाई एक्स के पावर फोर माइनस वन इंटू डी एक्स, राइट। दोस्त करना क्या है, हम जानते हैं ना कि इस इंटीग्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर फोर है तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर है ना इंटू डी एक्स। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं क्या, ए माइनस बी यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वन और ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स। एक्चुअली हम लोग एक और बार इसको कर सकते हैं, वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन है तो इसको भी तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, और इसको लिख दीजिए जाए एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू में डी एक्स। फिर करेंगे कैसे, वन बाय हम लोग फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पे फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस वन इंटू में एक्स प्लस वन और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू में डी एक्स। दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया होता तो हम लोग क्या पुट करते हैं, ये अब हम लोगों को अब तो फार्मूला पे आ गया। अब हम लोग यहाँ से पुट करेंगे वन बाय एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू, पहले तो दोनों रैखिक समीकरण है, तो जब भी रैखिक समीकरण होता है तो ए बट्टा और बी बट्टा तोड़ दिया जाता है। उसके बाद क्या आया, द्विघात समीकरण। तो इस द्विघात समीकरण को हम लोग सी एक्स प्लस डी में तोड़ेंगे। क्यों सी एक्स प्लस डी में तोड़ेंगे पता, इसलिए क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, द्विघात समीकरण है, इसलिए ऊपर हम लोग सी एक्स प्लस डी तोड़ते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि इधर में हम लोगों को x माइनस वन एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन है, इसी का इंटीग्रेशन करना था, हम लोगों ने अलग अलग इसको तोड़ लिया है। अब क्या करना है, राइट साइड में भी आपको एलसीएम लेना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे के क्या होगा। तो यहाँ बन रहा है वन बाय एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इधर भी एलसीएम लेंगे तो वही बनेगा। इट मीन्स कि एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, एलसीएम लेंगे तो वही बनेगा। अब आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि एक्स माइनस वन से कटेगा तो ये दोनों मल्टीपल होगा ए के साथ, यानी ए के साथ मल्टीपल होगा एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी। बी के साथ क्या मल्टीपल होगा, तो देख पा रहे होंगे बी के साथ मल्टीपल एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कटेगा तो एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये हम लोगों को मल्टीपल होगा। और फिर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसको किससे मल्टीपल करेंगे, तो सी एक्स प्लस डी को मल्टीपल करेंगे, यानी कि जो यहाँ पे सी एक्स प्लस डी है उसको मल्टीपल करेंगे। इससे तो कट जाएगा एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, यानी कि इसको मल्टीपल कर देंगे एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। अब आप देख पा रहे होंगे कि नीचे वाला तो कैंसिल आउट हो गया, ऊपर में इधर क्या बच रहा है, वन इज इक्वल टू, यहाँ बच रहा है हम लोगों का ए, क्या बच रहा है ए। अब एक्स को एक्स स्क्वायर के साथ गुना करेंगे तो एक्स क्यूब होगा, एक्स को वन से गुना करेंगे तो x होगा, और 1 को एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1। b को अगर गुना करेंगे b वाला का तो x माइनस वन है, देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो क्या बन रहा होगा,
एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन है और एक्स स्क्वायर प्लस वन है। तो एक्चुअली आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि एक्स को एक्स स्क्वायर से बनेगा एक्स क्यूब, ठीक है, और फिर एक्स को वन के साथ प्लस बनेगा एक्स, माइनस वन से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, और प्लस सी एक्स प्लस डी को गुणा किसके साथ करेंगे, तो ये दोनों को, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि अब हम लोगों को इस तरीके से मिला। चलिए फिर से करते हैं मल्टीपल, एक तो इधर एक ही है बराबर, ए को गुणा करेंगे, तो सबसे पहले एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन, फिर बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, और इसको करेंगे सी एक्स को एक्स स्क्वायर के साथ, तो क्या होगा सी एक्स क्यूब नहीं, और सी एक्स को माइनस वन के साथ तो माइनस सी एक्स, डी को एक्स स्क्वायर के साथ डी एक्स स्क्वायर और माइनस में डी, ठीक है। अब क्या करना, फिर से आपको वन इज इक्वल टू ए से सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना बनेगा ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए। उसी तरीके से बी के साथ भी मल्टीपल करेंगे, तो बी एक्स क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स क्यूब, और फिर यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप सी एक्स क्यूब माइनस सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस डी, ठीक है। तो अब आपको ये यहाँ पे ए बी सी डी का वैल्यू निकालना है, तो ऐसा देखिए इधर एक्स क्यू का गुणांक कौन कौन सा है, तो ए, और फिर आगे बढ़ते हैं तो बी, और आगे बढ़े तो सी, लेकिन लेफ्ट साइड में तो एक्स क्यू का गुणांक कुछ नहीं है, तो जीरो, और इधर है ए बी और सी। ये हो गया हम लोगों को समीकरण नंबर एक, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक देख लो कौन कौन सा है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए माइनस बी और प्लस डी, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का हो गया ए प्लस सॉरी ए माइनस बी और प्लस डी, इसको मान लिया समीकरण दो। लेकिन इधर तो एक्स बराबर के पहले तो एक्स स्क्वायर वाला नहीं है, जीरो। अब इधर देखेंगे एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक कहाँ कहाँ है, ए और इधर प्लस बी और माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, ये तीसरा समीकरण। अब इन तीसरा समीकरण में इधर भी तो एक्स का कोई गुणांक नहीं है, जीरो। अब इधर देखिएगा कांस्टेंट कौन सा है, वन, और इधर कांस्टेंट कौन है, तो ए, उसके बाद माइनस बी, उसके बाद माइनस डी, ये समीकरण नंबर हो गया फोर। आपको क्या करना है दोस्त यहाँ से, कि इन चारों समीकरणों का प्रयोग करके आपको ए बी सी डी का मान निकाल लेना है। किसका वैल्यू निकालना है, ए बी सी डी का वैल्यू निकाल लेना है। अब ए बी सी डी का जो वैल्यू निकलेगा, ठीक है, ए बी सी डी का वैल्यू यहाँ से हम लोग को निकालना है, तो जरा सोचना पड़ेगा कि ए बी सी डी का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि आप, चलिए सबसे पहले इक्वेशन कौन सा, आप यहाँ से इक्वेशन लगा सकते हैं टू एंड फोर, राइट। तो एक्चुअली हम लोग चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन टू एंड फोर, तो टू एंड फोर से चलिएगा, तो टू वाला क्या है, ए माइनस बी प्लस डी इक्वल टू जीरो। फोर क्या है, तो ए माइनस बी माइनस डी इक्वल टू में वन, और यहाँ से डी डी कैंसिल, राइट। अब डी डी तो कैंसिल हो गया,
एक प्लस में था एक माइनस में था, यहाँ ए और ए मिलके कितना हुआ, 2a, ठीक है, और यहाँ बी और बी -2b इज इक्वल टू 1, यानी कि कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो 2a -2b इज इक्वल टू मिला 1, यानी कि 2 को कॉमन करेंगे तो a -b इज इक्वल टू 1, इसलिए a -b इज इक्वल टू 1 बटा में 2, ठीक है, a -b इज इक्वल टू कितना हुआ, 1/2। अब हम लोग चलेंगे एक इक्वेशन से, वो है फर्स्ट एंड थर्ड, देख पा रहा होगा आपको, फर्स्ट एंड थर्ड। अब चलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट में क्या है, तो फर्स्ट में है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, एंड थर्ड में क्या है, ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0, ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0। ऐसा यूज करने से सी और सी कैंसिल आउट हो जा रहा है, बच रहा है 2a प्लस 2b इक्वल टू 0, और 2 को कॉमन करेंगे तो 2 को कॉमन करेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 0, इसलिए a प्लस बी का वैल्यू 0। अब चार समीकरण तो हम लोगों को पहले से था, अब इसको मान लो समीकरण नंबर 5 और इसको मान लो समीकरण नंबर 6। अब क्या करो, आप 5 और 6 से आप चलो, तो इक्वेशन अब किससे किससे, 5 एंड 6। 5 क्या है भाई, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, और 6 क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 0, तो माइनस बी प्लस बी खत्म, तो 2a इज इक्वल टू 1/2, इसलिए याद रखियो a का वैल्यू आ गया 1/4, ठीक है। अभी ए बी सी डी का मान निकालना है, जिसमें a का तो वैल्यू हम निकाल दिए हैं, a का वैल्यू कितना आया 1/4। अब b का कैसे निकलेगा, तो a का वैल्यू जब 1/4 है तो b का -1/4 होगा, क्योंकि प्लस वन बाई फोर में से -1/4 घटेगा तभी ना 0 आएगा, तो यहाँ से हमको पता चल गया कि b का वैल्यू कितना, -1/4। तो a का वैल्यू और b का वैल्यू हमको पता चल गया। अब हम लोगों को c और d का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो एक्चुअली हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर कौन सा है, फर्स्ट, ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी समीकरण 1 से चलेंगे तो हमको पता है, अब इक्वेशन वन क्या है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, a का मान आया हम लोगों को 1/4, बी का वैल्यू आया 1/4 -1/4, और सी इक्वल टू 0, तो ये तो कट गया, यानी कि 0 प्लस सी बराबर 0, इसलिए सी का भी वैल्यू आ गया हम लोगों को 0, क्लियर, यानी कि हमको चार चीज़ निकालना था, ए बी सी डी, जिसमें से हम लोगों को ए बी सी निकल गया, अब डी निकालना है, तो डी कैसे निकलेगा, तो अब चलिए आप समीकरण नंबर दो से चलिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, क्या है 2 में, तो a प्लस बी माइनस डी इक्वल टू 0, ए का वैल्यू 1/4, बी का वैल्यू -1/4, माइनस डी इक्वल टू में 0, तो e भी हो गया हम लोगों को, d भी कितना 0 है ना, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, a माइनस बी प्लस डी था, a माइनस बी प्लस डी इक्वल टू में 0, a का वैल्यू 1/4 माइनस बी का वैल्यू माइनस में 1/4 प्लस डी इक्वल टू 0, तो 1/4 प्लस 1/4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस डी इक्वल टू 0, और 1/4 मिलकर कितना हुआ, तो 1/2 प्लस डी इक्वल टू 0, इसलिए डी का वैल्यू आ गया -1/2। तो कुल मिलाकर यहाँ से अब हम लोगों को पता चल गया, हियर ए का वैल्यू आ गया 1/4, बी का वैल्यू आ गया -1/4, सी का वैल्यू 0, डी का वैल्यू -1/2। अब जब हम लोग इतना निकाल चुके हैं तो अब आराम से अब अगेन करेंगे, क्वेश्चन क्या था दोस्त, तो क्वेश्चन था x² - 1 × dx। अब इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x - 1 x + 1 x² + 1 × dx, और इसी को हम लोग तोड़े थे a/(x-1) + b/(x+1) + cx + d, नहीं
इसी के जगह पे ना तोड़े थे एक्स स्क्वायर प्लस वन और पूरा का dx। तो अब आपको आइडिया मिल गया होगा। अब आप a का जो वैल्यू आया है यहाँ रखिएगा, b का यहाँ रखिएगा, c d का वैल्यू यहाँ रखिएगा और फिर आपको अलग अलग इंटीग्रेशन यहाँ पे कर देना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉन्ग है तो लॉन्ग पे नहीं जाना है, क्योंकि हम लोग वही टाइप्स का ही पढ़ रहे हैं, वही एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं जिसमें लॉन्ग जाना लाजमी है। तो आपको हम अधूरा क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ दिए हैं, इसको कम्प्लीटली पूरा करके आप हमें ज़रूर व्हाट्सएप पे सेंड करना है जो ग्रुप क्रिएट किए हुए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।